बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमिन नबीन अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द लेसन नंबर 25 ऑफ 101 इंग्लिश। इसका जो टॉपिक है राइटिंग रिवाइजिंग सेंटेंस एरर्स। हमने लास्ट लेक्चर में 24 में सेंटेंस एरर्स पढ़ा था, उसकी हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। जो फर्स्ट टाइप थी आपको याद होगा फ्रेगमेंट वाली, उसकी अगर सब टाइप्स फोर हमने उसमें कम्प्लीटली डिस्कस कर ली थी। इसमें उसकी सेकेंड टाइप है जो एरर्स की, मतलब फ्रेगमेंट उसमें हो गई थी रन ऑन सेंटेंस। इस लेक्चर में हम उसको कम्प्लीटली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें पहले पैराग्राफ में यही बताया गया कि हमने उस लेसन में ये देखा, इसमें हम रन ऑन सेंटेंसेस देखेंगे। तो ये इधर से शुरू होता है, वैन रन ऑन सेंटेंसेज एंड डैंगलिंग मॉडिफाइज, ये दो हमारी टाइप्स रह गई थी एरर्स की, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन देखें। रन ऑन सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट दैट हैव नो क्लियर ब्रेक बिटवीन दैम। रन ऑन सेंटेंस एक वो सेंटेंस होता है जो मेड अप बना होता है टू कंप्लीट थॉट, दो मुकम्मल थॉट से, मतलब कंप्लीट थॉट उस सेंटेंस में टू होती हैं। ये बात याद रखना, वन थॉट नहीं होती, जो टू सेंटेंस होता है, जो अच्छा सेंटेंस होता है उसमें वन थॉट आपको पता होती है, लेकिन रन ऑन सेंटेंस क्योंकि ये फॉल्टी है, एक एरर है, इसमें क्या होता है टू कंप्लीट थॉट्स होती हैं दैट हैव नो क्लियर ब्रेक बिटवीन देम, जिनके दरमियान क्लियरली ब्रेक मतलब एक होना तो ये चाहिए ना। अगर एक सेंटेंस में टू थॉट्स हैं तो उनको कॉमा से या किसी तरीका कंप्लीटली पंक्चुएशन के जरिए उनमें ब्रेक होना चाहिए कि पता चले ये एक थॉट अलग है और दूसरी थॉट अलग है, लेकिन इसमें ऐसे होता है थॉट भी टू होती हैं जो कंप्लीट होती हैं लेकिन उनमें ब्रेक नहीं होता। ये एरर है सेंटेंस का, रन ऑन का। इसके टू काइंड्स हम देख लेते हैं, फ्यूज सेंटेंस कॉमा सप्लाई सेंटेंस। ये डेफिनेशन और दोनों टाइप्स आपने याद करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूज सेंटेंस को हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें, ये बोल्ड है फ्यूज सेंटेंस की। टू और मोर सेंटेंसेस दैट रन टुगेदर विद नो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, नो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आपने अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे के सारे मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन होते हैं। दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनके दरमियान कोई मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं होता बिटवीन दैम, आर सेट टू बी फ्यूज। उनके दरमियान कोई मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं होता और उन सेंटेंस को क्या कहते हैं, फ्यूज सेंटेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूज सेंटेंस एंड यू आर बाउंड टू मेमोराइज इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द टू सेंटेंसेज और टू कंप्लीट स्टेटमेंट्स। दो सेंटेंस या दो कंप्लीट स्टेटमेंट्स थॉट्स आर सिंपली स्टक टुगेदर इन टू वन सेंटेंस। मतलब इसकी आसान लफ्ज़ों में आप इसको अगर समझें तो ये है कि दो अलहदा जो दो सेंटेंस होते हैं ना, या दो थॉट्स होते हैं कम्प्लीटली, वो एक फिक्रे में स्टक टुगेदर, मतलब एक दूसरे से शिफ्टी भी होती हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर वो एक फिक्रे में यूज़ हो रही हैं तो उनमें पंक्चुएशन यूज़ हो, या वो अलहदा अलहदा सेंटेंसेज में यूज़ हो। कंप्लीट टू थॉट्स होती हैं क्योंकि, लेकिन वो ऐसे होता है कि रन ऑन सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक दूसरे से स्टक ऑफ होती हैं, मतलब स्टक टुगेदर हुई हुई होती हैं। और आगे है कि राइटर जो है इस सेंटेंस का, रन ऑन सेंटेंस का, या तो वो एक्सट्रीमली केयरलेस है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है और इग्नोरेंट है, या जाहिल है, उसको पता ही नहीं है कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये डेफिनेशन होगी फ्यू सेंटेंस की, आगे उसकी एग्जांपल भी आप लिखेंगे। अगर फ्यू सेंटेंस की डेफिनेशन आती है फिर भी आप एग्जाम्पल इसके साथ जरूर मैंशन करेंगे। इवन दो के आपके क्वेश्चन में मैंशन नहीं है फिर भी आप एक एग्जाम्पल कम से कम जरूर लिखेंगे, इस तरह आपके पेपर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दल हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल। कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज। जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, महारत हैं, वो कॉलेज में यूजफुल होती हैं, मुफीद होती हैं। दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। ये आपका एक जॉब हासिल रिसेंट अच्छी चीज़ है ना, उसको बताया जा रहा है, लेकिन वही इसमें मसला है कि सेंटेंस में वो है ही नहीं है। देखिए, ना कोई फुल स्टॉप है, ना पंक्चुएशन है, कि एक तो अच्छा ठीक है, ये बात तो आपकी कंप्लीट थॉट हो गई कि आपका जो क्लब है वो रेड क्रिसेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी जो चंदा वो जमा कर रहा है, ठीक है ना। अब जो वो एक वंडरफुल जॉब है, क्या मतलब आपकी एक बात टू थॉट्स है ना, एक तो चंदा इकट्ठा कर रहा है, दूसरी इसमें थॉट जो है कि वो एक वंडरफुल थिंग है, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप ना इसकी बजाय जो ऊपर मैंने एग्जांपल हाईलाइट किया, इसकी बजाय दूसरी वाली जो एग्जांपल है ना, इसको आप जरूर ज़्यादा कंसीडर करें डेफिनेशन के साथ। इस एग्जांपल को करें, ये ज़्यादा हाईलाइट है इसमें ना पॉइंट फ्यूज सेंटेंस का, तो इसको आप इसके साथ लिखें डेफिनेशन के, समझ गए ना बी वाले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ही लेफ्ट अर्ली, ही सेड ही हैड अ टूथ एची। इसका मतलब होता है दांत की दर्द, कि उसने उससे पहले छोड़ दिया, इससे पहले कि वो कहे कि उसको दांत की दर्द है,
ठीक है, अब उसने छोड़ दिया, बात खत्म, एक कंप्लीट थॉट हो गई ना एक्सप्रेस। अब उसको दांत की दर्द इसमें कहाँ से आ गई? दो अलग अलग थॉट्स हो रही हैं लेकिन वही फ्यू सेंटेंस है, एक सेंटेंस में इनको गड़मट किया हुआ है। अ गुड वे टू प्रिवेंट फ्यू सेंटेंस इज टू रीड अलाउड दैट यू हैव रिटन। अच्छा तरीका ये है कि जो आपने लिखा है उसको एक बार ऊंची आवाज से पढ़ के देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने फ्यू सेंटेंस तो नहीं इसमें बना दिए। ऑल्सो टू विद इन द सेंटेंस ऑफ वर्ड्स लाइक, ऐसे सेंटेंस को आप लें जिनमें जिनके साथ वर्ड्स कौन से हो, आई यू ही शी इट वी दे देयर दिस दैट नाउ देन एंड नेक्स्ट। मतलब ऐसे लफ्ज़ों को आप क्या करें, देखें ऐसे लफ्ज़ों को खास तौर पे देखें, क्योंकि इनके साथ फ्यू सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सच वर्ड्स ऑफन सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ अ कम्प्लीट थाट। ऐसे जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल्स हैं बिगिनिंग ऑफ कम्प्लीट थाट के। इस बात को भी देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया बच्चों, आपने इसको भी ना अच्छे से मेमोराइज करना है कि ये एक कंप्लीट थॉट के कंप्लीट थॉट होने का सिग्नल क्या है, उसके ये वाले वर्ड जो ऊपर ये हमने पढ़े हैं ये एक कंप्लीट थॉट के मुकम्मल एक थॉट एक्सप्रेस होने के एक सेंटेंस में उसका सिग्नल है। बिगनिंग का मतलब होता है एक मुकम्मल थाट के शुरू होने का, वो सिग्नल देते हैं ये वाले वर्ड्स। ये वर्ड जिस सेंटेंस में यूज़ होंगे आपने समझ जाना है कि इस सेंटेंस में कंप्लीट थॉट जो है वो पाई जाती है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, कंप्यूटर स्किल जो कॉलेज में मुफीद हैं, ठीक है, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग जॉब एज वेल। अब ये आपकी एक जॉब हासिल करने में मदद करती हैं। ऊपर देखे सेंटेंस का कोई और मेथड था, गलत लिखा हुआ था, था तो सही कि ये आपकी जॉब हासिल करने में मदद करेंगी आपको, कंप्यूटर स्किल यानी कि कंप्यूटर की महारतें, लेकिन उसमें ये वाले वर्ड्स नहीं थे, दे विल। अब देखें यहाँ दे विल आ गया ना, मतलब इसका सब्जेक्ट यूज़ हो गया, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस अलग है और ये कंप्लीट सेंटेंस अलग है जो अपनी अपनी कंप्लीट थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल देखें, इसको ठीक करके लिखा हुआ है, ऊपर वाली जो हमने रॉन्ग एग्जांपल पढ़ी थी फ्यू सेंटेंस की, अवर क्लब रेज मनी फॉर द रेड क्रिसेंट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। देखा कि हमारा जो क्लब है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये एक वंडरफुल थिंग है, अच्छी चीज़ है, क्या भला पैसे इकट्ठे करना, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करना। ही लेफ्ट अर्ली ही सेड हैड टूथ कैच। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं, ये वही हैं जो हम ऊपर पढ़े हैं, ये मिस्टेकनली यहाँ रिपीट हुई हुई है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज फ्यूज़ एंड कॉमन सप्लाइज के, फ्यूज़ और कॉमन सप्लाइज को हम पहचानने का क्या तरीका है, उसके लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज फ्यूज एफ, जो फ्यूज सेंटेंस है उसके साथ एफ लिखें, जो कॉमन सप्लाइज है उसके साथ सी एस लिखें, देन मार्क द प्लेस बिटवीन द टू कम्प्लीट थाट विद अ स्लैश, तब एक स्लैश डालें, मतलब आपको पता चलेगा दो थाट्स फ्यूज़ हुई हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, आप उनके दरमियान स्लैश डाल के डिफरेंशिएट करें कि ये थॉट इस साइड पे और ये थॉट इस साइड पे। द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपके लिए हुए हैं, नीचे हम देखते हैं और बाकी हम लोगों ने खुद करने हैं। ये देखें आपकी प्रैक्टिस आ गई। फॉर एग्जांपल ये है, द रूम इज लॉक्ड नो वन हैज अ की, के जो कमरा है वो लॉक है और किसी के पास उसकी चाबी नहीं है। अब देखें ये एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फ्यू सेंटेंस है, फ्यू सेंटेंस है और इसको ये स्लैश से अलग किया हुआ है, मतलब कमरा लॉक है, बात खत्म, और किसी के पास कोई उसकी चाबी नहीं है। सेकेंड है, द वॉल इज कवर्ड विद इवे, के जो दीवार है इसमें इवे, इसको इवे भी पढ़ सकते हैं और ईव भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है झाड़ियाँ सी नहीं होती, मतलब जैसे वो गर्दोगुबार, वो सॉरी गर्दोगुबार कह झाड़ियाँ होती हैं, जैसे पौधे वगैरह जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं, कि जो दीवार है वो उस पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, मतलब पौधे उगे हुए हैं जड़ी बूटियाँ। अ स्टोन पाथ लेस टू द वॉल, और एक जो पथरीला रास्ता है वो दीवार की तरफ जाता है, ये कॉमा सप्लाईस है। कैसे, कि इधर दो बातें हो रही हैं, यहाँ बीच में कॉमा आना है और फिर ये स्लैश से इसको अलहदा किया हुआ है कि ये अलहदा सेंटेंस कंप्लीट थॉट है और ये दूसरी कंप्लीट थॉट है। वेल नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्रैक्टिस ये हमें खुद करनी है। फर्स्ट सेंटेंस अब हम खुद देखते हैं, राहील लाइक्स टू कुक हिज वाइफ टॉट हिम हाउ, कि राहील का चाहता है कि अपनी वाइफ को सिखाए कि वो कैसे पकाते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं। अब ये तो रन ऑन सेंटेंस है क्योंकि इसमें टू थॉट्स हो रही हैं एक्सप्रेस, और इसमें स्लैश लगेगा इधर लाइक्स के बाद, ठीक है, क्योंकि राहील लाइक्स, राहील पसंद करता है टू कुक टू टॉट। एक तो है ये सेंटेंस में मुझे गलती नज़र आ रही है, क्योंकि देखे ना टू टू कुक आता ही नहीं है वर्ड, टू टॉट आना चाहिए, टॉट इधर आना चाहिए और कुक इधर आना चाहिए। वेल ये सेंटेंस में भी मिस्टेक है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखें कि ये रन ऑन सेंटेंस है, ठीक है, इसको यूँ लिख लीजिएगा, अगर आया तो कौन सा सेंटेंस है, ये रन ऑन, बात खत्म। और इसमें ये भी नहीं आ रही स्लैश भी, क्योंकि बात खत्म है, इसमें हो नहीं रही। टू टॉट अगर इधर आ जाए ना, यहाँ कुक की जगह टॉट आ जाए, ये वाला वर्ड यहाँ आ जाए, तो फिर यहाँ ये स्लैश लग जाता है, क्योंकि राहील चाहता है कि अपनी बीवी को सिखाए सिखाए। अब ये देखो कुक इधर टॉट आ जाए तो फिर एक मतलब एक थॉट एक किस्म के एक्सप्रेस हो जाते, वरना ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये रॉन्ग लग रहा है मुझे, है ही बल्कि रॉन्ग ये।
नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम, द बेल रिंग द रेस्लर रिटर्न टू द रिंग। अब इसमें देखें टू थॉट एक्सप्रेस हो रही है, एक तो बेल रिंग की घंटी बजती है और दूसरी के रेस्लर जो होते हैं, एक गेम का नाम है रेस्लिंग और जो रेस्लर जो खेलते हैं वो गेम उनको रेस्लर्स कहते हैं, वो सारे के सारे अपने रिंग में आ गए। ये दो थॉट्स हैं तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये कॉमा सप्लाइज सेंटेंस है। और इधर आप इसके बाद रैंक के बाद एक तो ये स्लैश लगा देंगे कि इधर एक थॉट है और एक थॉट इधर है और यहाँ कॉमा आएगा, इसको ठीक करने के लिए सेंटेंस को रैंक के बाद कॉमा लगाएंगे और बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। द और इधर आप सी एस लिखेंगे कॉमा सप्लाइज, द ट्रंक इज इन द बेसमेंट, जो ट्रंक है बक्सा या टैची केस है वो बेसमेंट में यानी कि तहखाने में है। एक थॉट कंप्लीट हो गई इसमें, इट हैज अ हैंडल मिसिंग, उसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है, दूसरी थॉट ये होगी। अब ये भी अगेन कॉमा सप्लाई सेंटेंस है और यहाँ बेसमेंट के बाद आप एक तो स्लैश लगाएंगे ताकि आपको पता चल गया कि दो थॉट्स अलग अलग हो रही हैं और इसको सेंटेंस को ठीक करने के लिए बेसमेंट के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा जो कि इसमें मिस्टेक है कॉमा सप्लाईज की। द वेटर्स सर्व सॉफ्ट ड्रिंक टू द चिल्ड्रेन, जो वेटर्स हैं उन्होंने बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पेश किए, दे ऑफर्ड कॉफ़ी टू द अदर्स, और जो बड़े हैं उनको कॉफ़ी पेश की। ये अगेन ये रन ऑन सेंटेंस की एग्जाम्पल है क्योंकि टू थाट इसमें वाजी हो रही हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो आपने क्या करना है, ड्रिंक्स चिल्ड्रन के बाद ये लग जाएगा इसका स्लैश जो है कि दो थाट्स अलग अलग होगी चिल्ड्रन के बाद, ठीक है। इट रेन ड्यूरिंग अ ट्रिप टू मरी, वी प्लेड कार्ड्स एंड टोल्ड स्टोरीज, ये भी कॉमा सप्लाई सेंटेंस है कि एक तो हमारे मरी के ट्रिप के दौरान बारिश हुई, एक बात खत्म इधर हो गई और दूसरी बात यहाँ स्लैश लगेगी कि एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक थॉट कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात क्या, हमने कार्ड्स खेले और कहानियाँ सुनाई, पहली बात तो ये कॉमा सप्लाई है, सी एस आप इधर लिखेंगे। दूसरी बात ये कि इसको आप सेंटेंस को ठीक करने के लिए मरी के बाद आप कॉमा पुट करेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, वैसे आप दो थॉट्स को अलहदा करने के लिए यहाँ स्लैश लगाएंगे। आगे करेक्टिंग फ्यू सेंटेंस, फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने के जो टाइप्स हैं वो आपको बताए गए हैं, इनको भी आपने याद करना है, ठीक है। थ्री वेज है फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने के, ये देखिए आपने इनको याद करना है। क्या पहला वे क्या है, डिवाइड द फ्यू सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस। पहली बात तो ये फ्यू सेंटेंस जैसे आपको पता है कि उसमें दो थाट्स होती हैं, वो एक दूसरे से स्टक ऑफ हुई होती है, मतलब स्टकली होती हैं टुगेदर, आप उसको ऐसा करें दो सेंटेंस में कर दें, एक सेंटेंस अलहदा हो जाएगा अपनी कंप्लीट थॉट के साथ, दूसरा सेंटेंस अलहदा होगा अपनी कंप्लीट थॉट के साथ और वो दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, द लेक इज काम टूडे, के जो झील है वो पुरसकून है, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर, वो एक नीले शीशे की तरह लगती है। ये रॉन्ग वर्जन है क्योंकि देखें ये फ्यू सेंटेंस है, दो चीज़ें एक सेंटेंस में घुसेड़ी हुई हैं। करेक्ट वर्जन इसका ये देखें, द लेक इज काम टूडे, एक सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप आ गया यानी कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि झील आज जो है पुरसकून लग रही है, मतलब उसमें ज्यादा हलचल नहीं है। और दूसरा सेंटेंस, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर, नीले शीशे की तरह वो दिखती है या मालूम होती है। पहला जो तरीका है वो अप्लाई कर दिया इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। आपने ये वेज भी याद करने और उनकी तीनों एग्जाम्पल्स भी मेमोराइज करनी है। फर्स्ट आपको पता चल गया हमने ये दो सेंटेंस इस तरह से बना दिए। नेक्स्ट सेकंड वे है जो करेक्ट करने का फ्यू सेंटेंसेस को, वो ये पुट अ कॉमा एट एन एप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड, आप पहले तो कॉमा पुट करें और कॉमा के बाद एक एप्रोप्रिएट ठीक ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब एक ठीक लफ्ज ऐसा लगाएं जो दोनों सेंटेंस को बिटवीन द टू कंप्लीट थॉट्स, दोनों कंप्लीट थॉट्स के दरमियान ऐसा एक अप्रोप्रिएट वर्ड लगाएं, ठीक लफ्ज लगाएं जो उन थॉट्स को मतलब एक दूसरे से जोड़ दे, तो रन ऑन सेंटेंस फ्यूजनेस उसकी खत्म हो जाए, वो ठीक सेंटेंस बन जाए। इससे एग्जाम्पल देखें, वर्ड जो आपने लगाने हैं वो क्या है, सच एज एंड बट और सो, ये सारे के सारे लफ्ज आप लगा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि ये रॉन्ग वर्जन है। कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, कॉमा लग गया, देखिए हमने एक तो कॉमा यूज कर दिया, दूसरी बात की हमने एंड यूज कर दिया, एंड क्या है अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड है जो इन दोनों बातों को ज्वाइन कर रहा है और सेंटेंस को ठीक कर रहा है। हमने दूसरा रूल अप्लाई किया कॉमा और एडजॉइनिंग वर्ड ऐड करने वाला, ये कॉमा लग गया कॉलेज के बाद, एंड दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल, और ये कौन भला, ये दे रेफर किसकी तरफ कर रहा है, कंप्यूटर स्किल्स का प्रोनाउन है कि कंप्यूटर स्किल जो है वो आपकी मदद करेंगी, आप ताकि जॉब हासिल करने में आपकी मदद करेंगी, एंड भी और कॉमा भी हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूसुफ यहना हैज अ पुल्ड मसल, ही वॉन्ट प्ले एनी क्रिकेट दिस सीजन, कि यूसुफ यहाना ये क्रिकेट का होगा प्लेयर, मुझे खैर मैंने तो इसका नाम नहीं सुना, फर्स्ट टाइम ये पढ़ रही हूँ। वेल इसका ये क्या है, इसका मसल जो है पुल है, यानी कि इसका जो मसल कहते हैं ना, ये जो बाजू का मसल होता है वो पुल्ड है, यानी कि उसमें तनाव आ गया, तो वो इस साल जो है इस सीजन में इस साल क्रिकेट नहीं खेल सकता। देखें दो थॉट्स हैं, एक तो कि उसका मसल पुल है और दूसरी थॉट है वो क्रिकेट खेल नहीं सकता। अब इनको हमने ये रन ऑन सेंटेंस है, फ्यूज है, हमने मसल के बाद कॉमा पुट कर दिया और सो लगा दिया। सो क्या है, अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड है जिससे सेंटेंस भी ठीक हो गया और दोनों कंप्लीट थॉट एक सेंटेंस में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये देखें कॉमा एंड देन सो।
नेक्स्ट नोट देख लेते हैं हम, क्या है, द कॉमा ऑलवेज गोज बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड, हाँ नॉट आफ्टर इट, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये आपको पता है दूसरा तरीका ठीक करने का, जो फ्यू सेंटेंस को किया है कॉमा और ज्वाइनिंग वर्ड लगाएंगे, लेकिन अब ये बात आपने याद रखनी है कि कॉमा पहले आएगा और ज्वाइनिंग वर्ड बाद में आएगा, इसको आपने मेमोराइज भी करना है, देखें ये बोल्ड हुआ है आपके लिए। अच्छा तीसरा तरीका हम देखते हैं, यूज सब ऑर्डिनेशन टू मेक वन द कम्प्लीट वन ऑफ द कम्प्लीट थॉट डिपेंड ऑन द अदर वन, के सब ऑर्डिनेशन यूज करें, मतलब उसके आगे सब डिवीजन उसकी बनाएं, कैसे हम देखते हैं आगे, टू सब ऑर्डिनेट अ कम्प्लीट थॉट चेंज इट फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस टू वन दैट कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ। चेंज करने के लिए, सबॉर्डिनेशन ऑर्डिनेशन करने के लिए एक थॉट को आप ऐसे कर लें कि वो डिपेंडेंट हो जाए, मतलब आप फ्यू सेंटेंस में दो थॉट्स होती हैं ना, दोनों की दोनों कंप्लीट है, लेकिन आप ये वाला तरीका जो है ठीक करने का फ्यू सेंटेंस को, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करें, एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बना लें, यानी सबॉर्डिनेट बना लें, उसको ऐसा कर लें कि वो अकेला उसका मतलब समझ नहीं आता, वो डिपेंड कर रहा हो दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज पे अपना मतलब पूरा करने के लिए। इसके हम एग्जांपल देखेंगे, फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। टू डू सो, ऐसा करने के लिए क्या करें, बिगिन द थॉट विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, पहले तो थॉट को एक अप्रोप्रिएट वर्ड से शुरू करें, सच एज बिकॉज व्हेन इफ बिफोर सिंस अनटिल अनलेस व्हाइल एज दो एंड आफ्टर, इन सब को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये वर्ड्स भी आपने याद करने हैं कि रन ऑन सेंटेंस को ठीक करने का ये एक और तरीका है। क्या करना है, अब आपने वर्ड को वो जो सेंटेंस है उसको सबऑर्डिनेट करने के लिए इन अप्रोप्रिएट वर्ड से शुरू करना है, इनको हमने बोल्ड कर लिया, ये आपने मेमोराइज करने हैं कि ये भी एक कॉमा फ्यू सेंटेंस को ठीक करने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, योना हैज अ पुल मसल, योना का जो मसल है वो पुल्ड, आई वॉन्ट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में वो बैटिंग नहीं कर सकता। अब देखें ये हमने वर्ड यूज कर दिया इस टाइम बिकॉज योना हैज अ पुल्ड मसल, क्योंकि योना का मसल पुल्ड है। अब हम अगर इसको सिर्फ ऐसे यूज करें, बिकॉज योना हैज अ पुल्ड मसल, क्योंकि योना का मसल पुल्ड है, देखें अब क्योंकि अब लग गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रही है, क्योंकि अब देखें इससे आपको समझ नहीं आ रही, पहले हमने फ्यू सेंटेंस पढ़े हैं उनके दोनों जो पार्ट्स होते थे दोनों में कंप्लीट थॉट होती थी, लेकिन इसमें ऐसा है क्योंकि हमने एक थॉट को एक सेंटेंस को हमने सबऑर्डिनेट बना लिया बाय पुटिंग दीज वर्ड्स, वन ऑफ दीज वर्ड्स के इन लफ्जों में से कोई लफ्ज हमने लगाया और ये वाली जो थॉट है ये वाला सेंटेंस का पार्ट सबऑर्डिनेट हो गया, इसलिए ये डिपेंडेंट कर रहा है इस पे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट कर रहा है कंप्लीट होने के लिए। ये हम तीसरा तरीका है, ये मुश्किल भी है, आप इसको याद तो कीजिएगा लेकिन आप यूज पहले दो ज्यादा मेथड कीजिएगा। ओके योना का मसल पुल्ड है क्योंकि योना का मसल पुल्ड है इसलिए ही वोंट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट, देखें ये बिकॉज आ गया, इन वर्ड में से हमने एक वर्ड लगा लिया, इसको सबऑर्डिनेट कर लिया और देन फिर हमने कामा भी पुट कर दिया और फिर हमने ये वर्ड लगा लिया। ठीक है, नोट क्या, पुट अ कामा एट द एंड ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिगिन द सेंटेंस, और पहले में हमने क्या नोट करना था कि जो कॉमा है हमने पहले पुट करते थे इस सेंटेंस से, जो जो हम दूसरा सेंटेंस हम ऊपर जो वर्ड यूज करते थे आई मीन उसमें हम कॉमा वर्ड से पहले पुट करते थे, लेकिन इधर हम क्या करेंगे कि कॉमा जो है वर्ड के बाद पुट करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये वाला दूसरा मेथड भी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर टू है, इसको हम देख लेते हैं। करेक्ट ईच ऑफ द फ्यू सेंटेंस, हर सेंटेंस जो है उसको ठीक करें यूजिंग ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब अर्लियर, जो पहले हमने ऊपर मेथड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। फर्स्ट देखें सेंटेंस, यूज अ डिफरेंट मेथड फॉर ईच सेंटेंस, हाँ ये भी आपने करना है, हर सेंटेंस के लिए अलग मेथड यूज करना है, तीन मेथड पढ़े हैं, चले हम तीनों को हर सेंटेंस पर अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए। इट वॉजंट हिज आइडिया, इट वॉज नॉट हिज आइडिया, ही शुड हैव नो बेटर देन डू इट, अब ये हमारे पास सॉल्व है पहला, बल्कि सारे ही आई थिंक सॉल्व है, देखते हैं नीचे। इट वॉज नॉट हिज आइडिया, ये उसका आइडिया नहीं था, देखें फुल स्टॉप हो गया, पहला जो मेथड हमने पढ़ा फ्यू सेंटेंस को ठीक करने का पहला तरीका वो यहाँ अप्लाई हो रहा है कि हमने दोनों सेंटेंस को अलहदा कर दिया, ये थॉट खत्म होगी कि वो उसका आइडिया नहीं था, वो उसका नहीं था आइडिया, ये यहाँ तक फुल स्टॉप बात खत्म। फिर हमने ही पुट किया, ही शुड हैव नाउन बेटर देन टू डू इट, वो इससे ज़्यादा बेहतर जानता है, उसको पता होना चाहिए इससे ज़्यादा बेहतर जो हमने करना है, मतलब ये टू थॉट्स एक सेंटेंस में मिक्सअप की हुई थी, या हमने पहला तरीका जो फ्यू सेंटेंस को ठीक करने का वो अप्लाई कर दिया और दोनों सेंटेंसेस को अलहदा कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस, इट इज इजी टू बिगिन स्मोकिंग, ये आसान है स्मोकिंग को शुरू करना, इट्स मच हार्डर टू क्विट, लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें भी देखें कॉमा पुट किया, सेकंड जो तरीका है हमने सेकंड वे ऊपर पड़ा फ्यू सेंटेंस को ठीक करने का वो अप्लाई हो रहा है, इसमें बट लग गया, वो वर्ड्स याद होंगे ना आपको, उनमें से एक लफ्ज हमने लगाया और कॉमा लगाया और हमने इस सेंटेंस को फ्यू सेंटेंस को ठीक कर लिया। थर्ड देखें, सम वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ द अदर्स आर नर्वस, कुछ जो लोग हैं फैक्ट्री के वो क्या हो गए, लेड ऑफ हो गए हैं।
द अदर्स आर नर्वस, और दूसरे जो है वो नर्वस हैं। लेट ऑफ का मतलब होता है कि वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मतलब उन्होंने फैक्ट्री से अपना पीछा छुड़ा लिया, तो जो दूसरे रह गए हैं वो नर्वस हैं, वो परेशान है। इसको देखें कैसे ठीक हुआ, बिकॉज। अब यहाँ तीसरा मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा वो अप्लाई हुआ है, ये वो वर्ड आया बिकॉज सम वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बिन लेड ऑफ, क्योंकि कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने फैक्ट्री से अपना पीछा छुड़ा लिया, अपनी जान छुड़ा रही है। अब देखें क्यों किया गया, ये सबॉर्डिनेट क्लास बन गई है, और दूसरी जो क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, द अदर्स आर नर्वस, और जो बाकी वर्कर्स हैं वो नर्वस हैं। इसमें थर्ड मेथड अप्लाई हुआ और हमने इसको फ्यू सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस कर लिया। फोर्थ देखें, द रूम लॉक्ड, द रूम लुक्ड वंडरफुल, द कारपेट्स हैड जस्ट बीन वैक्यूम्ड, कि जो कमरा है वो अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है, कि कारपेट्स वैक्यूम, मतलब कारपेट वो वैक्यूम मशीन जिससे होती है, जिससे कारपेट हम साफ करते हैं, उसकी सफाई, उससे कारपेट्स की सफाई करने के बाद जो रूम है वो वंडरफुल लग रहा है। इसमें भी टू थॉट्स हैं, एक तो है कि जो रूम वंडरफुल लग रहा है, और दूसरे के बाद है कारपेट्स वैक्यूम हो जाने के बाद। अब देखें इसमें पहला मेथड फिर अप्लाई किया फुल स्टॉप, और बाकी ऐसे दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो बना दिए। द फिश वाज सर्व्ड विद इट्स हेड स्टिल ऑन, आई लॉस्ट माय एपेटाइट, कि मछली जब सर्व हो रही थी, मतलब मछली जब पेश की जा रही थी, तो मैंने अपनी भूख, आई लॉस्ट माय एपेटाइट, तब मैंने अपनी भूख खो दी, मतलब अपनी भूख खो बैठा था। बिकॉज द फिश वाज सर्व्ड, इसमें तीसरा मेथड अप्लाई किया, बिकॉज आ गया, ये सबॉर्डिनेट क्लास बन गई है, वाज सर्व्ड विद इट्स हेड स्टिल ऑन, कॉमा भी देखे आ गया, आई लॉस्ट माई एपिटाइट। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, फर्स्ट यू शुड क्लीन द फ्लोर, पहले तुम्हें चाहिए कि तुम फर्स्ट साफ करो, एंड देन यू शुड वैक्यूम द कारपेट, और बाद में कारपेट साफ करना। अब इसमें कॉमा ऑलरेडी है, हमने क्या करना है कि ये सेंटेंस ठीक ही है, ये इधर भी ठीक था और ये नीचे भी ठीक है, ये बाय मिस्टेकल मिक्सटेक ये करेक्ट सेंटेंस आ गया था, फ्यूज नहीं था, क्योंकि देखिए इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है और एंड भी यूज हुआ है, ये दोनों वर्ड जो हमने ऊपर पढ़े हैं दूसरे मेथड में यूज हुए हैं, और दूसरा भी ऐसे ही है, क्योंकि वो ऊपर वाला गलत ही नहीं था, फिर उसको ठीक क्या करना था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करेक्टिंग कॉमा सप्लाइज। अब कॉमा सप्लाइज को करेक्ट करने का तरीका है, ऊपर हमने फ्यूज सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका पढ़ा था, इधर हम दूसरी जो मिस्टेक है एरर है इसको करेक्ट करने का तरीका पढ़ते हैं। अ कॉमा सप्लाइज कैन बी कनेक्टेड बाई यूजिंग वन ऑफ द सेम थ्री मैथड सजेस्टेड फॉर करेक्टिंग अ फ्यू सेंटेंस, वो कहते हैं सेम थ्री मैथड यूज करके कॉमा सप्लाइज को भी हम करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें इसको, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। डिवाइड द कॉमा सप्लाइज इंटू टू सेंटेंस, कैसे भला, साद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, साद हमेशा अपने टेस्ट के बारे में परेशान रहता है, हिज ग्रेड्स आर यूजली द बेस्ट इन द क्लास, और उसके जो ग्रेड्स हैं नंबर हैं वो अक्सर यूजली आमतौर पर क्लास में अच्छे आते हैं। ये उन्होंने इसकी रॉन्ग की एग्जांपल नहीं दी हुई, ठीक की एग्जांपल दी हुई है, फुल स्टॉप आ गया, ये अलहदा बात हो गया और ये अलहदा बात हो गया। कनेक्ट द टू कंप्लीट थॉट बाय प्लेसिंग अ जॉइनिंग वर्ड सच एज, वही वर्ड्स देखें, वही वाला बिल्कुल सेम मेथड है इसके लिए भी। अब देखें, साद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, कॉमा आ गया, कॉमा भी हमने यूज करना है, और इन दोनों में से, इन सब में से कोई एक वर्ड भी यूज करना है, बट आ गया, ये वाला, ये वर्ड्स भी देखे हमने यूज कर लिया और कॉमा भी, ये दूसरा मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा, सेम तरीके से हमने कॉमा सप्लाईज को ठीक कर लिया। नेक्स्ट थर्ड जो देखे हम उसकी एग्जांपल, साद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, आल दो लग गया अगरचे, हिज ग्रेड्स आर गुड, के साथ अपने टेस्टों के बारे में परेशान रहता है, आल दो उसके अगरचे के उसके ग्रेड्स जो है मार्क्स है वो अच्छे आते हैं आमतौर पर क्लास में, आल दो लग गया, आल दो लगा के हमने दूसरी वाली क्लास जो है इसको हमने सबऑर्डिनेट कर दिया। अब आप सोच होंगे इसमें कॉमा क्यों नहीं आए, क्योंकि कॉमा इसमें तब आता है जब ये वाली सबऑर्डिनेट क्लास पहले आए, तो इस क्लास के एंड में कॉमा आता होता है और दूसरी क्लास बाद में आती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि हमने बाद वाली जो क्लास है उसे सबऑर्डिनेट किया, इसलिए उसका पहले वो वर्ड तो यूज़ हो गया, लेकिन जो सेंटेंस के लास्ट पे उसके में आपको पता कॉमा आ ही नहीं सकता, उसमें आना फुल स्टॉप, तो इसलिए यहाँ फुल स्टॉप आया। क्लियर हो गया आपको, ये बात याद रखें, अगर सबऑर्डिनेट क्लास पहले आए तो फिर उसके क्लास के एंड पे कॉमा आता है, अगर वो क्लास हम बाद में लगा लें तीसरे मेथड के मुताबिक, तो फिर उसमें उसके बाद कॉमा नहीं होता, उसके बाद फुल स्टॉप होता है। थर्ड प्रैक्टिस देख लेते हैं, करेक्ट ईच ऑफ द कॉमा सप्लाइज दैट फॉलोइंग यूजिंग वन ऑफ द मेथड सजेस्टेड, यूज अ डिफरेंट मेथड फॉर ईच सेंटेंस, वैसे ही कॉमा सप्लाइज को ठीक करना है, वही मेथड ऊपर वाले यूज करने हैं। देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस जो कि हमारे पास हुआ है सॉल्व, फहद वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, फहद फोन पे बात कर रहा था, ही वॉज स्विचिंग टीवी चैनल्स विद हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम, उसी टाइम वो अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनल जो है बदल रहा था। फहद वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, कॉमा लग गया और एंड लफ्ज वो लग गया जो हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं, देखें कॉमा भी यूज हो गया और वो वर्ड यूज हो गया और ये सेंटेंस ठीक हो गया। सेकेंड देखें, म्यूल्स आर वेरी श्योर फूटेड, दे आर यूज फॉर क्लाइंबिंग स्टीप माउंटेन,
इस सेंटेंस में एक मतलब ये म्यूल्स जो होते हैं ना, ये एक डंकी की टाइप आप समझ कर ले, मतलब एक गधे की किस्म में आ जाता है, मतलब म्यूल्स, खच्चर आई थिंक इसको कहते हैं, कि वो जो होते हैं उनके शोर फुटेड होते हैं, मतलब उनके कदम मजबूत होते हैं, और वो किस लिए यूज़ होते हैं, माउंटेन पर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। इसमें देखें, अब ये लगा हुआ है इधर सेमी कॉलन, ये गलत लगा हुआ है, कॉलन जैसे सेमी कॉलन जो भी इसको कहते हैं, यहाँ ये रॉन्ग लगा हुआ है, हमने इसको ठीक किया, कॉमा लगा दिया और सो ऊपर जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं कॉमा प्लेस किया है और सो प्लेस किया है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमने ठीक कर लिया। द इलेक्ट्रिसिटी एट द शॉपिंग सेंटर वेंट आउट, जो शॉपिंग सेंटर है उसमें क्या हुआ, बिजली चली गई, ऑल द शॉप्स हैड टू क्लोज अर्ली, तो सारी दुकानों को पहले ही बंद होना पड़ा। देखिए सिंस लग गया, वो वर्ड पहले आ गया, जो सब इसको इस क्लास को हमने पहले वाली को सबऑर्डिनेट क्लास बना लिया, और देखें इसके बाद कॉमा आ गया, क्योंकि सिंस ये सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ गया इसलिए इसके बाद कॉमा आया, अगर ये बाद में आती तो उसके बाद कॉमा नहीं आया था, और फिर ये बाद में हमने दूसरी क्लास लगा के सेंटेंस को क्रैक कर लिया। ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस है, बाईसाइकल्स आर द वर्ल्ड्स बेस्ट मैथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, के ट्रांसपोर्ट करने का, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चीज़ें मुंतकिल करने का जो वर्ड्स का वर्ड्स बेस्ट मैथड, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैथड क्या, बाईसाइकल्स है। दे डू नॉट पोल्यूट द एटमोसफियर, क्योंकि क्यों बेस्ट हैं, कि वो जो है माहौल को पोल्यूट नहीं करते, उनमें माहौल में आलूदगी नहीं फैलाते। इसको ऐसे ठीक किया गया, कॉमा आ गया पहली क्लास के बाद, दूसरा बिकॉज लग गया, और जो दूसरी क्लास है इसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, देखें कॉमा और बिकॉज के बाद ये ऐसे सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। आई डोंट लाइक द प्रिंसिपल्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ, आई एग्री विद मैनी ऑफ हर आइडियाज़, कि मैं जो प्रिंसिपल जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, खुद की पहचान करवाती है, मुझे उसका वो तरीका पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसके कुछ आइडियाज़ हैं वो पसंद हैं, आई एग्री, लेकिन मुतफिक हूँ मैं उसके कुछ आइडियाज़ से। अब ऑल दो आ गया, वही वाला वर्ड जिससे हम क्लास को सबऑर्डिनेट बनाते हैं, वो वर्ड हमने पहले लगा दिया है, और क्लास कंप्लीट करके इसके बाद हमने कॉमा लगाया सबऑर्डिनेट क्लास, और दूसरा सेंटेंस हमने लिख के करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर लिया है। रिव्यू और फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज कंस्ट्रक्शन, फिल इन द मिसिंग वर्ड इन ईच स्पेस, ओके हमने ये फिलिंग दिस ब्लैंक्स करनी है, कॉमा सप्लाइज भी है इसमें और फ्यूज सेंटेंस, दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ स्पेस इज मेड अप ऑफ टू कम्प्लीट थॉट डेट आर इन करेक्टली ज्वाइन विद नथिंग बिटवीन दैम, फ्यू सेंटेंस, ये देखें आप, ये फ्यू सेंटेंस की डेफिनेशन है, कि उसमें दो कंप्लीट थाट्स होती हैं और वो इन करेक्टली ज्वाइन टूगेदर होता है विद नथिंग बिटवीन दैम, खुद उनके दरमियान कुछ भी नहीं होता। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स है सारी की सारी, ये देखे ना, इनमें सारे वही वर्ड्स हैं, इसके आंसर्स भी नीचे प्रोवाइडेड है, रन ऑन कॉमा सप्लाईज फुल स्टॉप पीरियड ज्वाइनिंग और डिपेंडेंट, ये अब वही है जो हमने ना ऊपर पढ़ के आए, ये आप खुद पढ़ लेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है, आपने इसको रीड कर लेना और इसको याद भी कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकती है आपके और एग्जाम में भी पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट है ये, इसको करते हैं फ्यूज्ड एंड कॉमा सप्लाइज दोनों का। री राइट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द मैथड सजेस्टेड, जो मैथड सजेस्ट किया गया उस तरह हमने फॉलोइंग सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। अ प्लेन फ्यू वेरी लो ओवर हेड, जो प्लेन है वो बहुत नीचे, मतलब ओवर हेड हमारे सरों के ऊपर नज़दीक, बहुत अपनी जो परवाज है उससे नीचे उड़ रहा है। द हाउस इज रेटल्ड लाउडली, जो घर हैं, इट मीन्स दो हाउसेज हैं, घर हैं, रेटल्ड का मतलब होता है जो हम शोर नहीं मचाते, चिल्लाते हैं, जब बहुत ज़्यादा नर्वस और परेशान हो जाएं, वो सारे के सारे घर जो हैं वो रेटल्ड लाउडली, मतलब ऊंची आवाज़ से उनके लोग जो हैं वो चिल्लाने लगे या वो नर्वस परेशान हो गए। अब ये टू ऐसे आर प्लेन फ्लू वेरी लो ओवर हेड कॉमा एंड, वो वर्ड यूज़ हो गया ना फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करके, एंड वर्ड यूज होके बाकी सेंटेंस ऐसे हो गया, कॉमा सप्लाइज को हमने करेक्ट कर। नेक्स्ट पूछो, हम सेंटेंस नंबर टू देखते हैं। गार्लिक में स्मेल बेज, इट टेस्ट डिलीशियस, यानी कि लहसुन की जो स्मेल है वो बुरी होती है लेकिन इसका टेस्ट डिलीशियस होता है। इट वॉज अदर गुड, इट हैज अदर गुड क्वालिटीज एज वेल, गार्लिक कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ ऑल्सो सपोज टू कीप अवे डिजीज, इसकी और भी अच्छी क्वालिटीज है, वो ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो लो रखता है, कम करता है, और जो डिजीज़ हैं, बीमारीज हैं, उनको बीमारियाँ हैं उनको दूर रखता है, सपोज यानी कि उनको दूर रखने के लिए अच्छा समझा जाता है। इसका करेक्ट वर्ड ये देखें, स्मेल, इसके बाद कॉमा, बट लगा दिया हमने, वो वर्ड यूज़ कर लिया और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया डिलीशियस के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया ऐसे, और फिर गार्लिक हेल्प लो एज कोलेस्ट्रॉल के बाद फिर कॉमा और फिर एंड लगा दिया, वही वर्ड हमने यूज़ किया और फिर सेंटेंस हमने ठीक कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये लेंथी भी है और इसका यहाँ आपके पास सोल्यूशन भी नहीं है। लेंथी ये देखें, दो तीन सेंटेंस है इसमें, एक पैराग्राफ की टाइप है, इसको अपने गौर से देखना है। माई साइकोलॉजी फाइनल एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, आई एम वेरी, यहाँ ये देखिए सेमी कॉलन या कॉलन लगा हुआ है, ये यहाँ नहीं आता।
आई एम वेरी वरीड अबाउट, वेल हम इसको ठीक करते हैं, ये मेरा साइकोलॉजी का जो एग्जाम है वो अगले हफ्ते है, बात खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई ना, हमें आगे जरूरत ही नहीं है प्रोसीड करने की, यहाँ फुल स्टॉप आप लगाएंगे, ये इसकी जगह यहाँ आएगा फुल स्टॉप, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आई एम वेरी वरीड अबाउट पासिंग इट, मैं इसको पास करने के बारे में, इसमें पास होने के बारे में बहुत परेशान हूँ, दूसरा सेंटेंस भी ठीक हो गया, यहाँ भी अपने फुल स्टॉप, ये ऑलरेडी लगा हुआ तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखें, बिकॉज आई वॉज सिक एट द स्टार्ट ऑफ द टर्म कॉमा आई नेवर कम्प्लीट द प्रिस्क्राइब रीडिंग, क्योंकि मैं जो टर्म थी उसके साल के शुरू में बीमार था, इसलिए मैं जो प्रिस्क्राइब रीडिंग जो हमने पढ़ने के लिए दिया गया था उसको मैं कम्प्लीट नहीं कर सकता। ये थर्ड सेंटेंस हुआ, इसको आपने भी ऐसे लगना, क्योंकि बिकॉज इसके शुरू में लग गया, ये सबॉर्डिनेट क्लास बन गई, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई नेवर कम्प्लीटेड द प्रिस्क्राइब, ओके हो गया। फॉर द पास्ट मंथ, पिछले महीने आई हैव बिन वर्किंग इन द इवनिंग, मैंने मुझे रातों को भी काम, शाम को भी काम करना पड़ा, शाम तक काम करना पड़ा, इट्स हार्ड टू फाइंड टाइम टू स्टडी, तो पढ़ने के लिए टाइम जो पाना वो मुश्किल था, इसको हम ऐसे करेंगे करेक्ट। फॉर द पास्ट मंथ, पिछले महीने आई हैव बिन वर्किंग इन द इवनिंग कॉमा सो, इधर हम सो वर्ड पुट कर देंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है, सो लगा के हम लिखेंगे इट वॉज हार्ड टू फाइंड टाइम टू स्टडी, सो इट वॉज हार्ड टू फाइंड टाइम टू स्टडी, और यहाँ हम लगाएंगे फुल स्टॉप, इसको हटा के ये जो पंक्चुएशन मार्क है हम फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विल एस्क द टीचर फॉर हेल्प, इट मे बी टू लेट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑल्दो आई विल आस्क द टीचर, के अगरचे इसके शुरू में हम लगा देंगे सबॉर्डिनेट क्लास बनाने के लिए एक वर्ड लगाएंगे ऑल्दो, आई विल आस्क द टीचर फॉर द हेल्प, अगरचे मैं टीचर से मदद के लिए पूछूंगा, फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, हेल्प के बाद कामा लगाएंगे क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लास का वर्ड शुरू में लग गया ऑल्दो, और हेल्प के बाद कामा, और फिर आगे आएगा इट मे बी टू लेट, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ओके, ये आपको टेस्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा और आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसको हम ठीक करते हैं, फ्यू सेंटेंस को और दूसरा कामा सप्लाईज को। आगे देखें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मॉडिफायर की, तीसरा जो हमारी थी सेंटेंस एरर, वो हम मॉडिफायर गलत प्लेस करते हैं या फिर गलत मॉडिफायर लगा देते हैं, जो हमने 24 लेक्चर में पढ़ी, तीन एरर पढ़ी ना, उसमें से तीसरी एरर हम पढ़ने लगे मॉडिफायर। इसकी जो डेफिनेशन है इसको आप पॉइंट आउट किया हुआ, इसको आपने मेमोराइज करना है, मॉडिफाई इज वन और मोर वर्ड्स, एक या एक से ज़्यादा लफ्ज होते हैं मॉडिफायर जिसको कहते हैं, दैट डिस्क्राइब एन अदर वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो क्या करता है मॉडिफायर दूसरे लफ्ज को या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, उनको बयान करता है। एग्जाम्पल देखते हैं फर्दर क्लियर होगा, फॉलोइंग एग्जाम्पल है मॉडिफाइज की, इज बोल्ड फेस्ड, बोल्ड में है ये जो नीचे एग्जाम्पल्स है मॉडिफायर की, देखें द वुमेन विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स इन माई बॉस, कि जो औरत है गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स, जिसकी जो ऐनक है वो सोने की रिम्ड है, मतलब सोने में वो क्या उसे कहते हैं रिम्ड का मतलब, इसका मतलब रिम्ड का यहाँ ये है गोल्ड रिम्ड का मतलब है जैसे सोने के पानी से धुली नहीं होती ये चीज़, मतलब जिसके ऊपर एक चीज़ किसी और चीज़ की बनी लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी लगा होता है, तो उसकी जो स्पेक्टेकल्स है उसकी ऐनक जो सोने के पानी से धुली हुई है वो क्या है, वो औरत मेरी बॉस है। अब इसमें मॉडिफायर क्या है, ये आपको बोल्ड में नजर आ रहा है, ये मॉडिफायर है, द मॉडिफायर विद गोल्ड इन स्पेक्टेकल्स डिस्क्राइब्स वुमेन, क्योंकि ये जो मॉडिफायर है कि सोने के पानी से धुली हुई ऐनक जो है ये लफ्ज़ किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है औरत को बयान कर रहा है ये, इसलिए मॉडिफायर की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो किसी लफ्ज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, इधर वो जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है वुमेन, और ये जो है ये जो तीन चार वर्ड्स हैं ये है मॉडिफायर। दूसरी एग्जांपल देखें, माय नेबर हैज़ अ स्पैनल विद वन ईयर मिसिंग, के जो मेरा हमसाय, आई हैव नियरली 1000 स्टैम्प्स, ऐसे नियरली का मतलब होता है तकरीबन, ये मॉडिफायर है यहाँ कि तकरीबन मेरे पास जो है वो 1000 के करीब टिकट है मेरे पास, नियरली, अब नियरली 1000 वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तकरीबन करीब करीब 1000 के करीब करीब, तो नियरली होगा मॉडिफायर, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले सेंटेंस में ये देखें, विद वन ईयर मिसिंग, ये मॉडिफायर है क्योंकि ये इसको स्पैनियल को, स्पैनियल एक किस्म का ये समझ लें आप एक डॉग की टाइप है, मतलब ये एक डॉग होता है, ये स्पैनियल को जो एक मेरे नेबर्स के पास, हमसायों के पास एक कुत्ता एक स्पैनियल है जिसका एक कान नहीं है, एक कान मिसिंग है, अब ये वन ईयर मिसिंग जो है ये मॉडिफाई कर रहा है स्पैनियल को, इसलिए ये मॉडिफायर होगा जो कि इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। मिसप्लेस मॉडिफायर, हम जो गलत मॉडिफायर लगाते हैं उसको हम देखते हैं वो हम कैसे करते हैं, और मिसप्लेस मॉडिफायर की डेफिनेशन पहले देखें, इज अ मॉडिफायर दैट इज इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड और वर्ड्स दैट इट्स डिस्क्राइब्स, उन लफ्ज़ों के साथ जिनको ये डिस्क्राइब कर रहा होता है मॉडिफायर उनसे गलत तरीके से अलग किया गया होता है, इनकरेक्टली सेपरेटेड,
रॉन्ग मॉडिफाई या मिसप्लेस मॉडिफाई गलत तरीके से उन वर्ड से अलहदा किया गया होता है जिनको ये डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो ये चाहिए कि उनके साथ लगे लेकिन वो उनसे अलहदा किया गया होता है। द मिसप्लेस मॉडिफाई सीम टू डिस्क्राइब वर्ड दैट द राइटर डिडंट नॉट इंटेंड इट टू डिस्क्राइब, और वो उन लफ्ज़ों के साथ लगा होता है जिनको वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा। देखे ना हमने ऊपर पढ़े नियरली, इस वर्ड्स के साथ थाउजेंड के साथ लगाया क्योंकि ये थाउजेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे ही स्पैनियल इसके साथ लगा, मतलब मॉडिफाई उस वर्ड्स के साथ ही आता है। जहाँ देखिए ये वुमेन भी इसके साथ आया, वोमन पहले आ गया और मॉडिफायर बाद में, उस वर्ड के साथ आता है मॉडिफायर जिसको वो डिस्क्राइब कर लो। लेकिन जो रॉन्ग या मिसप्लेस मॉडिफायर होता है वो उस लफ्ज़ के साथ नहीं आता, उसको गलत तरीके से उस लफ्ज़ से अलहदा कर दिया जाता है और वो उन लफ्ज़ों के साथ हमें नज़र आता है सीम्स, मतलब नज़र आता है कि जिनके लिए राइटर ने इंटेंट नहीं था, जिसके लिए राइटर की यह नीयत नहीं थी कि इनके साथ मॉडिफाई इस्तेमाल किया जाए। वैन मॉडिफाइज आर मिसप्लेस, जब मॉडिफायर गलत इस्तेमाल होता है द रीडर मे मिसअंडरस्टैंड द सेंटेंस, तो सेंटेंस जो है वो गलत समझ आता है रीडर को। देखते हैं एग्जाम्पल इसकी, माई ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार, मेरे भाई ने एक यूज्ड कार मतलब सेकंड हैंड कार खरीदी फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप, एक लोकल डीलर से खरीदी जिसका एक पाइप लीक था। अब तीनों बातें इसमें इकट्ठी हो रही हैं कि मेरे भाई ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी एक लोकल डीलर से जिसका पाइप लीक था। अब पाइप कार का लीक था या लोकल डीलर का लीक था, डीलर के साथ लीकिंग पाइप आने की जरूरत ही नहीं है, इसको कार के साथ आना चाहिए क्योंकि कार का पाइप लीक था ना। ये देखें ये क्या है, मॉडिफायर है और ये मिसप्लेस हुआ है, डीलर के साथ लगा हुआ है और डीलर का थोड़ी ना पाइप लीक था, इसको कार का पाइप लीक था तो कार के साथ आएगा, टू रिप्लेस होगा ये मॉडिफायर। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, द स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट, जो चिड़िया है उसने अपना घोंसला बनाया एट द बैक ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की पिछली तरफ उसके बैक तरफ, ऑफ ग्रास एंड ट्रिमिंग्स, घास से और ट्रिमिंग्स का मतलब होता है तिनकों से। अब अवर हाउस जो हमारा घर है वो घास और तिनकों का था या घोंसला घास और तिनकों का था, घोंसला था ना नेस्ट, तो इस वर्ड को ये जो मॉडिफायर है इसको नेस्ट के साथ आना चाहिए बजाय कि हमारे हाउस के साथ जो आया हुआ है अवर हाउस के साथ। अंजुम निसार, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अंजुम निसार स्नीज 20 टाइम्स लास्ट नाइट, अंजुम निसार तकरीबन 20 बार ना पिछली रात, स्नीज का मतलब होता है छींकना, उसको 20 बार छींके आई। अब ऑलमोस्ट स्नीज, ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, छींकों के साथ आया हुआ है कि छींकों के साथ आना था या 20 टाइम्स के साथ आना था, क्योंकि तकरीबन 20 बार आई ना, तकरीबन छींके तो नहीं ना आई, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये स्नीज जो है छींके हैं इसका मतलब है ऑलमोस्ट स्नीज। अब तकरीबन छींक आना ये कोई बात तो नहीं ना होती, छींक आती है या नहीं आती दो बातें होती हैं, तो तकरीबन जो है 20 बार के साथ आना, कि तकरीबन 20 बार मतलब मुझे याद नहीं है 20 22 या 19 भी हो सकता है, तकरीबन इतनी बार उसको छींके आई लास्ट नाइट, तो ये जो ऑलमोस्ट है ये 20 टाइम्स के साथ आना। बल्कि ये देखें ये आपके पास नीचे सोल्यूशन भी है, आप इसको एक बार फिर से देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस नंबर 1 करते हैं मॉडिफायर्स की, अच्छे से इसको आप समझें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए मॉडिफाई। आइडेंटिफाई द मिसप्लेस वर्ड, पहले तुम जो मिसप्लेस वर्ड जो गलत लगा हुआ है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में, और फिर क्या करना है रीराइट करना है उसको मॉडिफायर को ठीक जगह पे लिख के, ठीक है। आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर, मैं स्टोर जैकेट वापस करने जा रहा हूँ स्टोर पे, दैट इज़ टू स्मॉल, जो बहुत छोटी है। अब स्टोर दैट इज़ टू स्मॉल, स्टोर जो कि बहुत छोटा है, गलत मॉडिफायर आ गया, समझ आ रही है ना आपको। जैकेट लगनी है टू स्मॉल, जैकेट छोटी है ना, इसलिए ये टू स्मॉल मॉडिफायर जैकेट के साथ आएगा। ये ऐसे होगा आई एम रिटर्निंग द जैकेट दैट इज टू स्मॉल टू द स्टोर, समझ आ गई, एक बार फिर से देख लें, आई एम रिटर्निंग द जैकेट, फिर आएगा दैट इज टू स्मॉल टू द स्टोर। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, द कपल लुक्ड एट 30 सोफाज शॉपिंग ऑन सैटरडे। अब देखें शॉपिंग किसने की, कपल ने, मतलब ये कपल ने शॉपिंग की। अब शॉपिंग और कपल को रिलेट करना है ना हमने, तो ये जो शॉपिंग है, शॉपिंग ऑन सैटरडे है, ये क्या है हमारा मॉडिफायर है और इसको हम लगा देंगे कपल के साथ। हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, शॉपिंग ऑन सैटरडे के सैटरडे की शॉपिंग में, शॉपिंग ऑन सैटरडे द कपल लुक्ड एट 30 सोफास, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड, द वुमेन टू ओपन द पार्सल शी हैड जस्ट रिसीव विद हर फिंगर नेल, कि औरत ने उसको फाड़ दिया पार्सल को, टोर का मतलब होता है फाड़ देना, अब फिंगर नेल अपनी उंगलियों के नाखून से। अब ये टोर और फिंगर नेल ये मॉडिफायर है और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके साथ आना चाहिए, जो उसने रिसीव किया था, शी हैड जस्ट रिसीव, जो उसे अभी रिसीव हुआ था पार्सल, इसको हम ऐसे करेंगे, द वुमेन टोर विद हर फिंगर नेल्स, कि औरत ने अपने फिंगर के नेल से फाड़ दिया, द वुमेन टो ओपन विद अ फिंगर नेल्स द पर्सल शी हैड जस्ट रिसीव्ड, ओके। द ब्रेसलेट इन आयशन आर्म मेड ऑफ सिल्वर बिलोंग्स टू हर मदर, कि आयशा के बाजू पे जो ब्रेसलेट है वो उसकी माँ, सिल्वर का बना हुआ है, जो उसकी माँ का है। अब देखें आयशा का जो ब्रेसलेट है वो है सिल्वर, मेड ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर और ब्रेसलेट ये मॉडिफायर है सिल्वर जो ब्रेसलेट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसको हम ऐसे करेंगे, द ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर ऑन आयशा आर्म बिलोंग्स टू हर मदर।
टेक दिस जार टू अंकल अमान्स होम विच ही लेंट टू मी, ये जार अंकल अमान के घर ले जो जो उन्होंने मुझे उधार दिया था. अब ही लेंट टू मी, ये मोडिफायर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जार को, कि उन्होंने मुझे उधार दिया था क्या भला जार. इसको हम इसके साथ लेके आएंगे, टेक दिस जार विच ही लेंट टू मी, सॉरी ऐसे होगा, टेक दिस जार टू अंकल अमान्स होम विच ही लेंट टू मी, कि इसको अंकल अमान के घर में ले जाओ. टेक दिस जार विच ही लेंट टू मी टू अंकल अमान्स हाउस, एक बार फिर से सुन ले, टेक दिस जार विच ही लेंट टू मी टू अंकल अमान्स होम. सिंगल वर्ड मॉडिफायर, नेक्स्ट सिंगल वर्ड मॉडिफायर इसको हम देख लेते हैं. नोट पहले नोट करें, पे स्पेशल अटेंशन टू द सिंगल वर्ड मॉडिफायर, इन पे खास अपने तवज्जो देनी है, सच एज ओनली, ऑलमोस्ट एंड नियरली, मतलब एक लफ्ज़ मॉडिफायर है. अब ऊपर तो हमने देखा दो तीन लफ्ज़ थे, जैसे ऊपर हमने जो वो वुमेन वाला पढ़ा बॉस जो थी उसमें तीन चार लफ्ज़ थे मॉडिफायर, इसमें सिर्फ सिंगल ओनली मॉडिफायर है, ऑलमोस्ट एंड नियरली है. देखते हैं हम इनको, फॉर देयर मीनिंग टू बी करेक्टली अंडरस्टूड दे शुड बी प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ड दे डिस्क्राइब, ये उस लफ्ज़ के सामने आते हैं डायरेक्टली जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. आई ओनली आस्क माई बॉस ऑफ वन डेज लीव बट ही रिफ्यूज, मैंने अपने बॉस से सिर्फ एक दिन की छुट्टी का पूछा लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया. अब सिर्फ एक दिन की छुट्टी है ना, ओनली वन डेज लीव, तो ओनली इसके साथ आना चाहिए ना, सिर्फ एक दिन की छुट्टी के साथ, लेकिन ये इधर आ रहा है आई के साथ, तो ये गलत हो गया. इसी तरह नेक्स्ट देखें वर्ड, आई मस्ट हैव ऑलमोस्ट आंसर्ड अ हंड्रेड एड्स बिफोर आई फाउंड दिस जॉब, इस जॉब को पाने से पहले मैंने तकरीबन 100 एड्स का जवाब दिया, 100 कमर्शियल्स को जवाब दिया था. अब तकरीबन 100, ऑलमोस्ट 100 एड्स, 100 एड्स के साथ ऑलमोस्ट आना, लेकिन ये आ रहा है आंसर के साथ, तो ये भी यहाँ ये वाला मॉडिफायर भी रॉन्गली प्लेस्ड है. ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर रनिंग फ्रॉम कॉलेज माई नाइस नियरली स्पेंड ऑल इवनिंग ऑन द टेलीफोन, कि कॉलेज से आने से पहले जो मेरी जो भतीजी थी वो सारी की सारी रात टेलीफोन पे, अपने रात जो पूरी सारी की सारी शाम टेलीफोन पे जाया करती थी. अब नियरली, नियरली इवनिंग के साथ आना है और इधर नियरली आले स्पेंड के साथ, ये मॉडिफायर भी यहाँ रॉन्गली प्लेस्ड है. ये देखें, हाँ ये इसके सोल्यूशन पे दिया गया, आप इनको पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखें नियरली ऑल इवनिंग, नियरली अब ऑल इवनिंग के साथ आ रहा है तो ये करेक्ट है, ऐसे ही ऑलमोस्ट जो है 100 एड्स के साथ आ रहा है तो ये भी करेक्ट है, और ओनली वन डे के साथ आ रहा है, मतलब ये ठीक करके लिखा हुआ वर्ड मॉडिफायर. ये अपने तीनों वर्ड्स भी याद करने जो वर्ड मॉडिफायर में आते हैं, ये तीनों आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है डैंगलिंग मॉडिफायर, ये हमारा आई थिंक सो लास्ट टॉपिक है डैंगलिंग मॉडिफायर. इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है. स्टार्टिंग ड्रीमली इनटू स्पेस, हवा में ख्वाब देखने से शुरू करने से क्या होता है, द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वॉइस स्टार्टर्ड मी, यानी कि मैं हवा में ख्वाब देख रहा था तो जो इंस्ट्रक्टर की ऊंची आवाज़ है उसने मुझे स्टार्टर्ड कर दिया, उसने मतलब मुझे एक किस्म का इंटरप्ट कर दिया, मेरे जो मेरे ख्यालों की दुनिया थी उसको उसने ख़राब कर दिया. अब देखें, स्टार्टिंग ड्रीमिंग इन टू स्पेस आई वॉज स्टार्टर्ड बाई द इंस्पेक्टर्स लाउड वॉइस, ये आ गया ना, इसको पैसिव कर दिया, सेकेंड जो क्लाज है उसको पैसिव कर दिया, और कॉमा भी यूज़ हो गया है कि जो मैं अपने जब मैंने हवा की स्पेस में यानी कि खला में ख्वाब देखना शुरू किए तो क्या किया, आई वॉज स्टार्टर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वॉइस, इसको पैसिवाइज कर दिया सेकंड सेंटेंस को. नेक्स्ट देखें, आई एज आई वॉज स्टार्टिंग ड्रीमली इनटू स्पेस, थर्ड इसका, इसी को ठीक करने का तीसरा तरीका, जैसे ही मैंने हवा में ख्वाब देखने शुरू किए द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वॉइस स्टार्टर्ड में, तो इंस्ट्रक्टर की ऊंची आवाज़ ने मुझे स्टार्टर्ड कर दिया, टंग डिस्टर्ब कर दिया. अब इधर इसके स्टार्ट में ऐसा आ गया, ये इस इन तीनों सेंटेंसेस में क्या हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं. हेयर आर मोर सिंपल ऑफ वेज बाई विच डैंगलिंग मॉडिफाइज कैन बी करेक्टेड, ये इससे ज़्यादा भी आसान तरीके हैं जिनसे डैंगलिंग मॉडिफाई को करेक्ट किया जाता है, और वो क्या है, वेन पुलिंग आउट ऑफ द ड्राइव वे द पिलर ब्लॉक्स माई व्यू, वेन पुलिंग आउट ऑफ द ड्राइव वे आई फाइंड माई व्यू ब्लॉक्ड बाई द पिलर, इसमें भी देखें सेकेंड को पैसिव कर दिया है, ये एक तरीका, सेकंड जो क्लाज है आप उसको पैसिव कर दीजिए, और एक तरीका आप स्टार्ट में उसके वर्ड लगा दीजिए, वन मॉडिफायर, वन वर्ड मॉडिफायर लगा दीजिए तो भी, और दूसरा ये दो तरीके हो गए, तीसरा तरीका आप उसको कॉमो से दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा. वेन एवर आई पुल आउट ऑफ द ड्राइव वे द पिलर ब्लॉक्स वाई व्यू, कि जब भी मैं ड्राइव वे को खींचता हूँ मतलब जब जाता हूँ तो पिलर जो है वो एक थम्स है वो ब्लॉक्स बाय व्यू, तो ऐसे आता है सबूर में कि उसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर लिया. प्रैक्टिस हम करते हैं तो आपको ये डैंगलिंग मॉडिफायर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. देखते हैं प्रैक्टिस को. इन ईच सेंटेंस आइडेंटिफाई द मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफायर,
अच्छा डैंगलिंग मॉडिफायर आप सोचते होंगे क्या है, भला ये मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफायर तकरीबन एक ही चीज़ है, मिलते जुलते हैं। ये प्रैक्टिस हम करते हैं, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं। और मिसप्लेस का मतलब होता है वो गलत जगह पर लगे होते हैं, डैंगलिंग का मतलब होता है हमने गलत लफ्ज़ों के सही लफ्ज़ों के साथ गलत मॉडिफायर या गलत लफ्ज़ों के साथ सही मॉडिफायर लगाए होते हैं, मतलब हमने उनको ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ लगाया नहीं होता। एग्जाम्पल्स करते हैं ना, प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले तो ये आइडेंटिफाई करें मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफाइड आइडेंटिफाई करें, उसके बाद क्या इनको रीराइट करें सेंटेंसेस को। द मैन रिटर्न द ओवरड्यू बुक टू द लाइब्रेरियन विद अपोलोजाइज। ओवरड्यू बुक क्या, ओवरड्यू का मतलब होता है वाजिबुल अदा, जो उसकी कोई रकम रहती थी वो उसने लाइब्रेरियन को वापस की विद अपोलोजाइज, माजरत के साथ। अब देखें वापस की ओवरड्यू बुक इसके विद अपोलोजाइज, अब इस ओवरड्यू बुक और अपोलोजाइज माफ़ी के साथ उसने वापस की ना ओवरड्यू बुक, ये इसका मॉडिफायर है और ये रॉन्गली प्लेस है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे। द मैन रिटर्न द ओवरड्यू बुक विद अपोलोजाइज टू द लाइब्रेरियन, नहीं टू द लाइब्रेरियन लास्ट में चला जाएगा, ये इसका मॉडिफाई ओवरड्यू बुक इसके साथ आ जाएगा, ओवरड्यू बुक विद अपोलोजाइज टू द लाइब्रेरियन। नेक्स्ट सेंटेंस है द सोल्जर्स होल्ड अप इन द केव्स ऑलमोस्ट वेंट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ वीक, कि तकरीबन जो गारों में रहते हैं स्पाई वो एक हफ्ता के तक तकरीबन एक हफ्ता के लिए, अब देखिए ऑलमोस्ट तकरीबन एक हफ्ता तक वो खाने और पानी के बगैर रहते हैं, फॉर अ वीक। अब ये ऑलमोस्ट और फॉर अ वीक इन दोनों को हमने साथ करना है क्योंकि ये मॉडिफायर इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये देखें आप मॉडिफायर को भी आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, इसमें ये मॉडिफायर है और इसमें ये है, और अब हम इसको रीराइट ऐसे करेंगे द सोल्जर्स होल्ड अप इन द केव्स ऑलमोस्ट फॉर अ वीक वेंट विदाउट फूड एंड वाटर, समझ आएंगे आपको। ऑलमोस्ट के बाद हम लगा देंगे ऑलमोस्ट फॉर अ वीक वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है द स्काई वॉज ब्लू एंड क्लियर वेन वी अराइव होम, मतलब जब हम घर पहुंचे तो आसमान नीला और साफ था, बट ओनली और शॉर्ट वाइल लेटर सिर्फ थोड़े से टाइम के बाद वेन विद अ सडन क्रैश ऑफ थंडर, अचानक बिजली के एक बड़े से थंडर यानी कि बड़े से झटके से वी हरी टू क्लोज द विंडोज इन द बेडरूम, हम बेडरूम में अपनी खिड़कियां बंद करने की के लिए हमने जल्दी की, हरिट का मतलब आता है जल्दी दौड़े हम बेडरूम की तरफ विंडोज़ क्लोज करने के लिए। स्टार्टिंग आउट एट द डाउन पोर, फिर नीचे क्या हुआ वी वर ग्लैड टू बी सेफ इनसाइड, इसका मतलब है स्टार्टिंग आउट एट द डोर डाउन पोर, नीचे बारिश का रुख करते हुए हमें इस चीज़ की खुशी थी कि हम सेफ थे, वो ग्लैड हम खुश थे कि हम सेफ थे यानी कि महफूज थे। देन वी रिमेंबर आवर ओपन कार विंडोज़, फिर हमें अपनी कार के खुले शीशों का ख्याल आया, ग्रोइंग विद डिसमे, तो फिर हम मायूस हो गए दोबारा से। ये एक तकरीबन फुल पैराग्राफ है, इसको आप ध्यान से इसका सोल्यूशन देखें, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, ये एक किस्म का पैराग्राफ है, इसमें दो जगह मिस्टेक है, एक यहाँ पे विद अ सडन लेटर और एक ये लास्ट पे ये वाला जो है इससे पहले आएगा रिमेंबर से, ग्रोइंग विद डिसमे रिमेंबर्ड के साथ ही आएगा। इसको मैं रीड करती हूँ आप नोट कीजिएगा। द स्काई वॉज ब्लू एंड क्लियर वेन वी अराइव होम, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस पूरा होगा ये और ये ठीक है, बट ओनली अब शॉर्ट वाइल लेटर थोड़े से टाइम के बाद कॉमा वेन वी हेयर्ड अ सडन कैश ऑफ थंडर, When we heard a sudden crash of thunder, यहाँ when आएगा जब हमने एक अचानक शोर सुना बिजली के चमकने का। Next comma, when we heard a sudden crash of thunder comma, we hurried to close the windows in the bedroom, हम bedroom में windows close करने के लिए गए, अब close the windows in the bedroom, ये ऐसे ठीक लिखा हुआ है, full stop। Next आएगा starting out at the downpour, नीचे बारिश की आवाज़ सुनते हुए उस तरफ जाते हुए कॉमा वी वर ग्लैड टू बी सेफ इन साइड, हम खुश थे कि हम सेफ थे, ये भी ठीक है फुल स्टॉप, ये सेंटेंस भी एज इट इज ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसको हम यू करेंगे देन ग्रेडिंग विद डिस में ग्रोडिंग ग्रोनिंग विद डिस में, हम डिस में यानी कि हम मायूस थे, ग्रोनिंग विद डिस में, अब देन के बाद आएगा देन ग्रोनिंग विद डिस में कॉमा वी रिमेंबर्ड अवर अवर ओपन कार विंडोज, इसको देन के बाद ये आएगा देन ग्रोइंग विद डिसमे कॉमा वी रिमेंबर्ड अवर ओपन कार विंडोज, हमें अपनी खुली कार के खुले शीशों का ख्याल है। नेक्स्ट फोर सेंटेंस देख लेते हैं। आई लास्ट टू माई रेनकोट लास्ट विंटर, के पिछली सर्दियों में मेरा रेनकोट जो गुम हो गया था, आई थॉट आई वुड लुक एवरीवेयर फॉर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको हर जगह तलाश करूंगा। देन यस्टरडे, फिर कल ऐसा हुआ कि स्टफ्ड अंडर द बेड, के बेड के नीचे आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको मुझे वो मिल गया बेड के नीचे स्टफ में, रिंकल्ड एंड डस्टी, बल पड़ा हुआ और गर्द आलूद, आई वॉज स्टिल डिलाइटेड टू सी इट, फिर भी मैं उसको देखकर खुश हुआ। इसमें आप देखें ये रिंकल्ड एंड डस्टी ये जो वर्ड है इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बाकी यहाँ तक
विंटर तक, ये एक सेंटेंस ये ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये भी ठीक है, देन येस्टरडे स्टफ्ड अंडर द बेड कॉमा, इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा नहीं फुल स्टॉप सॉरी येस्टरडे स्टफ्ड अंडर द बेड, कल जो है बेड के नीचे स्टफ्ड अंडर द बेड, इसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको पा लिया, यहाँ तक नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, ये भी ठीक हो गया, रिंकल्ड एंड डस्टी के गर्द आलूद और बाल पड़ा हुआ, इसको हम यूं करेंगे ऑल दो इट वॉज रिंकल्ड एंड डस्टी, अगरचे वो बाल पड़ा हुआ था और गंदा था, डस्ट थी उस पर, ऑल दो इस सेंटेंस के पहले, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ब्लू में, इस सेंटेंस से पहले हम लिखेंगे ऑल दो इट वॉज रिंकल्ड एंड डस्टी कॉमा आई वॉज स्टिल डिलाइट टू सी इट, दैट्स फॉर टूडे, ये आई थिंक सो आपको होप सो समझ आ गया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।